सभी को स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिए। अभी जो है कुछ देर पहले जो है पिंकी का एक वीडियो आया है। दोस्तों आप सभी से पहले ही मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ कि जो कुछ मैं अभी बोलने वाली हूँ उसको आप कान खोल के सुनिए, क्योंकि सच्चाई सुनना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। सोनू को ब्लेम कर रही है ये भगोड़ी औरत, जो खुद अपना घर को छोड़ के आई है, अपने घर से भाग के आई है दूसरे का पति चोरी करने के लिए। सोनू को फिर से एक बार टारगेट करते हुए ब्लेम किया है। फिर से 4 मिनट का फिर से वीडियो डालिए। दोस्तों इस औरत का चाल अब समझ में आया। वो बोल रही है कि विकास जी का मम्मी पापा एक्सेप्ट करेंगे और विकास जी एक्सेप्ट करेंगे कि उस घर में भी मेरे बच्चे का हक होना चाहिए, तभी मैं आऊंगी। अब आपको समझ में आ रहा है कि सारा गेम फिर से प्रॉपर्टी को लेकर आ गया। ये औरत इतनी चालाक, इतनी चालबाज, इतनी शातिर चालाक लोमड़ी है कि एक तो उस औरत का पति छीन लिया, प्रॉपर बुरी तरीके से छीना कि हमेशा अपने पास रखती है और मिलने के लिए नहीं दिया जाता है। अब जो है उसके बच्चे का हक मारने के लिए तैयार है। सोनी 10 सालों में भी कुछ बोल सकती थी, अब अचानक से क्यों बोला? 10 साल भी बहुत है, तूने इसको बोलने ही नहीं दिया, हमेशा दबा के रखा, हमेशा दबा के रखा। तो यही तो पॉइंट खड़ी हो रही है कि जो औरत शादी के 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं, सीधे 14 साल तक नहीं कुछ बोला, अपना मुंह पे टेप लगा के रखा, मुंह पे पट्टी लगा के रखा। वो औरत में 14 सालों में घर से बाहर नहीं निकाली, अपनी जिंदगी अपने पति की जिंदगी से तुझे अलग बाहर नहीं निकाल फेंकी। तो वो औरत से इतनी सीधी है, वो औरत इतनी सीधी है कि तू उसको विकास जी से अलग करने वाली है। सोनू बोल रही है कि ये मुझे इतना जस्टिफाई किया है मेरे करेक्टर को लेकर कि जो नहीं सुनने का वो सुनने के लिए मिल रहा है। जब सोनू को क्यों ब्लेम किया, क्यों बदनाम किया कि वो किसी के साथ भागी थी। सोनू बोली कि विकास जी का असलियत जानने के बाद मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं अपने आप को खत्म करने के लिए गई थी। उसी दौरान माँ का फोन आया और वो बताई अपने बारे में, तो माँ बोली कि माँ समझाई, उसके बाद सोनू जो है अपनी माँ के घर चली गई। और ये औरत बिल्कुल अपोजिट कहानी सुना रही है कि वो किसी लड़के के साथ भागी थी, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा बेशरम। अब घूर फिर के अब आया है, एक तो इसका सोनू का पति छीना, अब उसके सोनू के बच्चे का हक मारना चाह रही है। यही है, बोलते ना कि एक औरत को जब शादी हो जाता है ना तो ससुराल वाले भले प्यार करें ना प्यार करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ससुराल वाले नफरत भी करते हैं तो वो औरत को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ उसका पति है। मगर सोनू से तूने उसका पति को छीना है, साथ ही साथ तू अब इसके बच्चे का हक मारना चाह रही है, तू दूसरे को ब्लैकमेल कर रही है, तू दूसरे को पढ़ाई करवाने के लिए चल रही है। ये औरत दूसरे का पति चोरी किया, सब कुछ जानते हुए भी उस मर्द से शादी किया कि वो बंदा ऑलरेडी शादीशुदा है, 2 बच्चे का बाप है, फिर भी ये औरत जो है शादी किया। अब आप खुद अनुमान लगाइए, डिवोर्स पिंकी को नहीं सोनू के दिलवाने वाली है ये औरत। ड्रामेबाज, इतनी ड्रामेबाज है कि इसका रोना धोना सुन के ही मुझे पता लग गया। लास्ट में पता है रोते रोते हंसने का एक नाटक किया था पहली वीडियो में, जो फर्स्ट टाइम वीडियो डाली थी तो फिर अपना मुंह छुपाया हंसते हंसते। तो आप समझ रहे हो सब कुछ प्रॉपर्टी का गेम होगा या फिर ये व्यूज का चक्कर होगा, कंटेंट होगा, बस यही होगा। क्योंकि दोनों पत्नियां जो है एक दूसरे को धमका रहे कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, इधर से सोनू बोल रही है अपने आप को खत्म कर लूंगी। मगर ये बंदा इतना घटिया है, मिस्टर विकास इतना घटिया इंसान, नालायक नल्ला। वैसे तो मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, हमेशा रिस्पेक्ट से बात किया, मगर अब जाके मेरे को गुस्सा आ रहा है कि सच में किसी ने सच्ची बोला है कि औरत ही औरत का दुश्मन होता है। अगर ये औरत दूसरी औरत का इज्जत करेक्टर को जस्टिफाई कर रही है
गिराने की कोशिश कर रही है, चाहे डिवोर्स, प्रॉपर्टी, क्या क्या चीजों तक बात पहुंच गई, तो मिस्टर विकास कहाँ पे है? वो कहाँ सरसों का तेल कान में डाल के सोए हुए हैं? दोस्तों यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है, अगर बंदा बोल नहीं रहा है, अगर मिस्टर विकास का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसका मतलब 100% जो है ये कंटेंट है डिवोर्स का, कंटेंट डिवोर्स कंटेंट। कि वो औरत क्या बोल रही थी, विकास जी को तू ले जा, विकास जी को तू ले जा, मगर मेरे बच्चों से अलग मत करियो, मैं अपने बच्चे के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगी, मैं अपने बच्चे के लिए कोर्ट तक जाऊंगी, कानून का सहारा लूंगी। बच्चे हो गए हैं 10 साल से ऊपर का बच्चे हो गए, 12-13 साल के बच्चे हो गए। जब बच्चा 10+ हो जाता है तो बच्चा खुद इतना समझदार हो जाता है कि उसको माँ के पास रहना है कि पापा के साथ रहना है। और एक बात और गौर करिएगा कि सोनू का खुद का अपना बेटा बेटी है, तो इस नालायक औरत का बच्चा क्यों लेने की कोशिश करेगी, क्यों लेगी? जो अपने पति नहीं ले पाई 10-14 सालों में। और पिंकी तुम इतनी सच में इतनी गिरी हुई है, जो कुछ भी तुम्हारे साथ अभी हो रहा है ना, तुम्हारा कर्मा है। तूने सोनू का खून का आंसू रुलाया, तूने सोनू को इतना तड़पाया, इतना तड़पाया है जितना इसके दिल से आह बद्दुआ निकला है पहले जब तू इसके पति से उसको अलग किया था। जब एक औरत का बसा बसाया तूने घर जिस टाइम बिगाड़ा था ना, उस टाइम वो औरत इतना टूट जाती है कि अपना वो हर चीज शेयर कर सकती है मगर अपना पति को शेयर नहीं कर सकती है। मगर वो औरत इतनी सीधी है कि अपना पति तेरे साथ शेयर किया, और तू इसको जस्टिफाई करने के लिए बोल रही है कि 10 साल में तू कुछ क्यों नहीं किया और अब जाके क्यों किया। 10 साल में पहले भी कुछ नहीं किया था और अब भी कुछ नहीं कर रही है, तू ही जड़ की फसाद है, तू एक कंटेंट बना रही है डिवोर्स को लेकर, ठीक है? और ये तो साफ तौर पे सिद्ध हो गया है कि एक कंटेंट है, क्योंकि दोनों सौतन आपस में आके लड़ रही है, एक दूसरे को धमका रही है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, मगर तुम्हारा पति अभी तक मिस्टर विकास बीच में नहीं आए, क्योंकि सबसे बड़ा जड़ का फसाद तो वही नालायक बंदा है। तुम दोनों को जिंदगी बर्बाद किया है, दोनों से प्यार किया, वो इतना मतलब हवस का पुजारी था कि पिंकी से भी और सोनू से भी। अगर विकास जी के अंदर थोड़ा भी अगर शर्म हया होगा ना, वो अपना जस्टिफाई करने के लिए अपनी दोनों पत्नियों के सच्चाई बताने के लिए वो बंदा जरूर आएगा, नहीं तो नल्ला और निकम्मा टाइप रहेंगे तो बस वैसे आपस में तुम दोनों एक दूसरे को कंटेंट बनाते रहना। दोस्तों अगर मेरी बातों से सहमत है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।